हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसे कि आज मैं घूमने आया हूँ, ये शाम का वक्त है तो घर पे वैसे भी छुट्टी का टाइम चल रहा है, तो मैं क्या करूँ, तो मैं सोचा कि मैं और मेरा वो फ्रेंड आशुतोष इस तरफ है, वो जा रहा है। मैं और आशुतोष हम लोग यहाँ घूमने आए हैं। तो ये जगह का नाम है अलविदा पार्क। तो ये आपको डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन नज़दीक में ही है, और मेट्रो से जैसे आप निकलेंगे तो ये बाहर में ही ये आपका अलविदा पार्क पड़ता है। ये एक तरह का फैमिली पार्क है। यहाँ मतलब आप बहुत बड़ा एरिया कवर किया हुआ है। अगर मैं आपको बोलूँ तो दिखाऊँ, तो ये देखिए मेरे चारों तरफ का व्यू है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आप वाइट कलर का बॉक्स टाइप का कुछ घर टाइप का बना हुआ है, इसके देखिए ये एक पेड़ टाइप का है, पाम ट्री। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में, ये देखिए ये एक्चुअल में ये पाम ट्री है। तो मेरे को पता नहीं था, ये आशुतोष से मुझे पता लगा कि ये है एक्चुअली टावर है यहाँ का। यहाँ 4G 5G सब लगा हुआ है। अब वहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए टावर कुछ GSM लगा हुआ है इसमें। हालांकि मैं टेलीकॉम में काम किया हूँ तो मेरे को एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, तो मुझे पता है। हालांकि मुझे हाँ GSM माइक्रोवेव सब लगा हुआ है। तो ये है टावर, और कुछ नज़ारा कुछ इस तरह का है। शाम है, शाम का लगभग यहाँ पर अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, लगभग अंधेरा हो गया है। और ये व्यू कुछ इस तरह का है। वो देखिए एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ मैं, ये पेड़ की वजह से ध्यान से दिख नहीं रहा है, लेकिन पीछे है अपना, पेड़ों के पीछे ये एक्चुअल में पूरा दोहा सिटी दिखता है। ये कॉर्निश है, जहाँ मैं, अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो वो एरिया है। तो ये कॉर्निश, अलविदा, ये सारे नज़दीक में ही है। ये छोटा सा यहाँ पर रेस्टोरेंट टाइप का बना है, फैमिली टाइप रेस्टोरेंट है जो भी है। यहाँ पर आप आराम से चिल करो, बैठ के खाओ पियो, एंजॉय करो वीकेंड। और वो मेरा दोस्त आशुतोष अकेला अकेला चल के बोर हो रहा है। ये देखिए वो सोच रहा है कि मैं कब आऊँ उसके पास। मैं उसको बोला थोड़ा सा वीडियो बना लेता हूँ जब आया हूँ, जब थोड़ा सा कतर एक्सप्लोर किया जाए। तो ये है व्यू यहाँ का चारों तरफ का। वैसे गाइस अभी फेस मास्क बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर फेस मास्क अलाउ कर दिया है। तो गाइस आप सब भी अपना फेस मास्क लगा के चलिए, वरना फाइन हो सकता है या वार्निंग मिल सकता है। तो चलते हैं अभी थोड़ा आशुतोष की तरफ। गर्मी बहुत है यहाँ पर। वैसे मैं बोलूँ तो आज मेरा प्लान था, हमारा प्लान था ये एस्पायर पार्क जाने का, जिसको टॉर्च टावर भी बोलते हैं, वहाँ प्लान था आज हमारा जाने का। लेकिन वो क्या है, कैंसिल हो गया, कि हमारा जो एक और साथी है जिसके पास गाड़ी है, उसके गाड़ी का चाबी कोई और लेके चला गया, तो जिसकी वजह से हम एस्पायर पार्क जाना कैंसिल हो गया। तो मैं ही आशुतोष को बोला यार घर पर बैठ के क्या करोगे, चलो यार थोड़ा बाहर निकलते हैं थोड़ा। हाय फ्रेंड, ये आशुतोष हैंडसम गाय है, इसके बाल पता नहीं कौन से किससे क्या करता है, इतना बाल मजबूत है। बाल का भाई राज है इसका, देखो कितना मजबूत बाल है। वैसे ये पार्क में बोले कुछ खास तो नहीं है, बस पर एरिया बहुत ज़्यादा, एरिया बहुत बड़ा एरिया कवर किया हुआ है ना, पूरा ग्रीनरी है, थोड़ा सा गर्मी है, शाम का वक्त है, आराम से बैठो चिल मारो। हाँ टावर का मैंने बताया, GSM लगा हुआ है, 4G 5G सब लगा हुआ है। हमारे आशुतोष भाई साहब ने इस पर काम किया हुआ है, बता रहा है ये बहुत एक्सपीरियंस बनता है। तो अगर कोई भी मेरे IT में अगर कोई मैनेजर वैनेजर देख रहे हैं मेरे वीडियो, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत एक्सपीरियंस बंदे है। कम से कम कितना, 10 साल प्लस होगा ना, 14 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टेलीकॉम।
बहुत ही एक्सपीरियंस बंदा है और बहुत ही शानदार बंदा है। तो अगर ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट हो दोहा या कोई और भी कंट्री हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इनको कांटेक्ट कर दूंगा, या जो भी आप डायरेक्टली कमेंट में भी बता सकते हैं, इनको पहुंच जाएगा मैसेज। और ये छोटी सी गाड़ी है, ये इस गाड़ी को क्या बोलते हैं? ये नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे बैठ के या जितने भी यहाँ पर पूरा एरिया कवर करके दिखा सकते हैं। पीछे कॉर्निस दिख रहा है, शाम का वक्त है, सूरज भी ढलने वाला है। एक चीज देखिए, देख रहे हैं आप, अभी शायद दिन है इसलिए पता नहीं लग रहा है, लेकिन ये सामने एक टावर है, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी लाइटिंग शुरू हो गया है, अगर थोड़ा देर और वेट करूँ, मान के चलिए जैसे अंधेरा होने लग जाएगा 1 घंटा, तब यहाँ पर एक्चुअल में ये पूरी लाइटिंग दिखने लगेगी, ये पूरा एरिया, ये पूरा लाइटिंग दिखने लगेगी। अभी ऑलरेडी लाइटिंग इन्होंने शुरू कर दिया है, पर क्या है कि ये सनलाइट के वजह से ये एक्चुअल में लाइटिंग पता नहीं लग रहा है। तो थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ पर हमने प्लान किया है एटलीस्ट 1-2 घंटा तो यहाँ बैठेंगे, उसके बाद घर वापस चलेंगे। तो फ्रेंड्स ये देख रहे हैं, अलविदा पार्क में घूमते 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 कॉर्निश पहुंच गए। देखिए लाइटिंग अभी ऑलरेडी थोड़ा बहुत शुरू हो चुका है। देखिए अंधेरा भी हो रहा है, पूरा गर्मी बहुत ज़्यादा है, उमस बहुत ज़्यादा है ना, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ। अंधेरा हो गया, क्या कह रहे हो? दिसंबर में सबसे अच्छा मौसम होता है, दिसंबर के टाइम में घूमने वाला होता है। कह रहा है कि दिसंबर के टाइम में यहाँ बहुत अच्छा मौसम होता है, हवा चलता है अच्छा, ठंडा ठंडा हवा। आएंगे दिसंबर तक तो हैं, दिसंबर में आएंगे तब घुमा जाएगा, नवंबर दिसंबर के बाद मौसम एकदम नॉर्मल हो जाता है, अक्टूबर लास्ट के बाद नॉर्मल हो जाता है कह रहा है मौसम। ईद का त्यौहार है आज तो, बहुत ही अच्छा त्यौहार है, बहुत ही अच्छा दिन है, और इस दिन घर पे बेकार बैठे रहना तो ठीक नहीं लगता है, तो मैं ही बोला उसको कि चलो यार बाहर घूम के ही आते हैं। ये सामने कुछ दिख रहा है मेरे को, पेड़ों का कुछ बनावटी किया हुआ है इन्होंने, पेड़ों का नज़दीक जाके दिखाता हूँ। ये देखिए ये पेड़ों का कुछ तो इन्होंने कर रखा है। ये पेड़ों का काट काट के राउंड राउंड सा कुछ तो बनाया है, एक शो टाइप का है, ताकि जो यहाँ का पार्क है, पार्क का व्यू और अच्छा लगे देखने के लिए। एक तरह से इवनिंग वॉक भी हो जा रहा है चल चल के। आशुतोष तो भाई साहब पूरा एकदम चौड़ होके खा रहे हैं, चल रहे हैं एकदम। या ये बंदा भाई 10 साल 14 साल बाद मिला, 14 साल पहले भी ऐसे ही दिखता था, 14 साल के बाद भी ऐसे ही दिखता है जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में अनिल कपूर सर, शुरुआत से यंग देखते हुए आ रहे, बचपन से अभी भी यंग। ये बंदा भी वैसे ही है, यूपी का बंदा है,
पता नहीं क्या खाता है, वैसा का वैसा ही। 14 साल पहले भी देखा है सही, 14 साल के बाद भी वैसा ही। ये है कॉर्निश। कॉर्निश को थोड़ा सा जूम किया जाए, ये है कॉर्निश को जूम कर दिया जाए। ये लाइटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुका है, हालांकि मैंने कॉर्निश के ऊपर वीडियो बना रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। गो एंड माई वॉच माई लास्ट वीडियो, कॉर्निश वीडियो, दोहा कॉर्निश। बोल रहे कि आओ नीचे आओ, चलते हैं नीचे भी। तो फ्रेंड्स, लगभग 2 घंटा घूमने के बाद यहाँ इतना बड़ा पार्क है, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ था नहीं, बस टहला। तो थोड़ा बहुत घूमने के बाद थक गए, तो मेरे पीछे ठीक है यहाँ पर एक वॉशरूम है, यहाँ आप चाहे तो घूमने के बाद वॉशरूम अब यूज़ कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ठीक पीछे पानी का नलका भी है, आप चाहे तो थक गए तो पानी पी सकते हैं। उसके बाद अभी इतना थक गए तो अभी हम सोच रहे हैं कि घर की तरफ निकलें। तो मेट्रो स्टेशन उस तरफ है, चलो फिर चलते हैं। हाँ नहीं नहीं बाथरूम में भी एसी चल रहा है, यहाँ आशुतोष भाई साहब ने यूज़ किया है वॉशरूम, कह रहा है कि वॉशरूम में एसी वगैरह लगा हुआ है, अंदर में कम से कम एसी चल रहा है, बहुत सुकून मिला। पता नहीं, ये साइकिलिंग भी कर रहा है। वाह, बंदे लोग साइकिलिंग कर रहे हैं। पूरा पार्क अभी लाइटिंग है, देख रहे कितना पसीना पसीना हो गया। रूल्स ऑफ द पार्क, जनरल साइक्लिस्ट और पेटर्नर्स, ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो यहाँ पार्क में फॉलो करने हैं। वो सामने वो बिल्डिंग है जो ऑलरेडी लाइटिंग शुरू हो गया है, जो आपको कह रहा था। तो थोड़ा सा जूम करते हैं, नज़दीक की तरफ जाते हैं। ये देखो बाबू कितना अच्छा दिख रहा है, ये देखिए लाइटिंग कुछ इस तरह का है। इस तरह का है यहाँ का लाइटिंग, पार्क की लाइटिंग। उस तरफ आपका कॉर्निश, इस तरफ हम मेट्रो है। चल चल के मेरे कपड़े पूरे गीले हो गए, बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो गया, बहुत ज़्यादा होने लगा है, बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा है।
चलो जब वापस पानी पियोगे। पानी तो पी लिया। चलते हैं तो पीछे ही चलते हैं, मेट्रो स्टेशन चले कुछ। ये लाइटिंग एक बार और कर लेते हैं। तो गाइस अभी हम इजाज़त लेते हैं, तो अभी हम चलते हैं घर की तरफ। काफ़ी थक गए इतना चल चल के, लगभग 1.5-2 किलोमीटर से लगभग चल लिए, 1 घंटे से ऊपर हो गया हम चल रहे। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर।